वासुदेवाय अथ नवमोऽध्याय श्री नारद उवाच एवं सुरगणाः सर्वे ब्रह्म रुद्र पुरः सरा नो पैतुमसकन्मन्यो सनम्भं सुदुरासदम्। इस अध्याय का शीर्षक है श्री प्रहलाद महाराज द्वारा नृसिंह देव का देव को शांत कर किया जाना। इस अध्याय में प्रहलाद महाराज की प्रार्थना से भगवान शांत हो गए, उनका क्रोध समाप्त हो गया। यह वर्णन है। तो श्री नारद जी कहते हैं एवं सुरादय सर्वे ब्रह्म रुद्र पुरः सरः। ब्रह्मा और भगवान शिव जिन लोगों में पुरः सरः आगे चलते हैं, हेड हैं, उन देवताओं ने इस प्रकार एवं भगवान नृसिंह देव की स्तुति किया, उनको मनाने का प्रयास किया, उनको संतुष्ट करने का। लेकिन भगवान इतना क्रोधाविष्ट थे, मनु संरम्भम क्रोध के कारण इतना आवेश था कि उनके पास किसी को आने का साहस नहीं हुआ। सुदुरासदम, दूर से प्रार्थना कर रहे थे और भगवान प्रसन्न हुए नहीं। सुदुरासदम मनु सलम्भम उपाय तुम असकन, उनके उपएतुम उनके निकट आने का किसी को साहस नहीं हुआ। तब देवताओं ने माता लक्ष्मी से प्रार्थना किया, साक्षात श्री जो भगवान के प्रेयसी हैं और जो वैकुंठ में भगवान नृसिंह देव के स्वरूप को देखती हैं, सेवा करती हैं, लेकिन फिर भी इस नृसिंह चतुर्दशी को जब उन्होंने यह रूप देखा नृसिंह देव का, उन्हीं का जिनको वे वैकुंठ में देखते हैं, लेकिन नारद जी कहते हैं कि उसको देख करके लक्ष्मी जी ने विचार किया तो महद अद्भुतम, ये तो बहुत भयानक है, आश्चर्यमय है। क्यों ऐसा फील किया? क्योंकि अदृष्ट और अश्रुत पूर्वत्वात्, ऐसा रूप ऐसा भयावह श्री जी ने कभी देखा नहीं था और सुना भी नहीं था। भगवान का जैसे रूप क्षण क्षण में नया होता रहता है, जैसे राधा रानी उनको देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जीवन में पहली बार देख रही हूं, और प्रतिदिन देखती हैं, फिर भी भगवान का रूप उन्हें नया नया प्रतीत होता है। इसी प्रकार श्री जी यद्यपि भगवान की प्रेयसी हैं, वो नित्य उनकी सेवा में रहती हैं, लेकिन इस समय जब उन्होंने देखा तो यह बिल्कुल अपूर्व लगा, ऐसा कभी नहीं देखा था और सुना भी नहीं था। अदृष्टाश्रुत पूर्वत्वात्, अदृष्ट और अश्रुत पूर्व, ये रूप को देख करके लक्ष्मी जी भयभीत हो गई, भय हो गया। वो आई लेकिन थोड़े दूर से ही मुड़ गई,
और इंद्र आदि देवताओं से उन्होंने कहा नहीं हम मैं नहीं जाऊंगी, इस समय ये दूसरे आवेश में है। जब व्यक्ति को आवेश होता है तो उस समय वो अपनी पत्नी नहीं पहचान पाता है, लात मुंह का या किसी चीज से मारने लगता है, डंडा चलाता है क्रोध में। ये इस तरह से भगवान क्रोध के बस में हो गए हैं सत्गुण में, विशुद्ध सत्व में, लेकिन फिर भी ये लीला है भगवान की, और लीला से इतना भयानक अभी तक है, अभी तक क्रोध संलग्न है, क्रोधावेश अभी बना हुआ है, इसलिए लक्ष्मी जी भी फेल हो गई। अब कौन शांत करे भगवान को? तो ब्रह्मा जी बड़े चतुर और महान पुरुष हैं, समस्त वैष्णवों के गुरु हैं, तो उन्होंने प्रहलाद महाराज को पुचकार करके कहा, बेटा तुम्हारे पिता के प्रति भगवान क्रोधित हैं, तो तुम जाओ उनके पास। तो प्रहलाद जी ने मना नहीं किया, सीधा कह दिया तथेति, ठीक है जैसी आपकी आज्ञा। ऐसा कह करके वे बेधड़क चले गए नृसिंहदेव के पास। सिंह का बच्चा सिंह से डरेगा नहीं, वो तो उसकी गोद में खेलता है। ऐसे ही नृसिंह भगवान दूसरे के लिए कठोर हैं, अपने भक्तों के लिए बहुत मृदु हैं। तो प्रहलाद महाराज इस बात को जानते थे, जब वे चले गए ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा तथेति, और सनकाय धीरे धीरे भगवान के पास चले गए। हे राजन, हे महाराज युधिष्ठिर, राजन शब्द संबोधन कर रहे हैं नारद जी कि भगवान की कथा सुनने से आपकी शोभा बढ़ गई है, आप विराजमान हो रहे हैं। तो हे राजन, हे युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रहलाद धीरे धीरे नृसिंह भगवान के पास गए और ननाम निकट जाकर के प्रणाम किए, विधृत अंजलि, और हाथ जोड़े हुए प्रणाम किए। छोटा सा बच्चा जाकर के भगवान के चरण में गिर गया। वो भगवान सिंहासन पर बैठे थे, उसी सिंहासन पर जिस पर बैठ करके पहले हिरण्यकश्यपु प्रहलाद महाराज से बात करता था, मारने की धमकी दिया, उसी सिंहासन पर श्री भगवान बैठे हैं, और परम भयानक रूप में, किसी देवता की हिम्मत नहीं हुई कि उनके पास जाए। मनु संरम्भम सुदुरासदम उपायतुम न असकन, निकट जाने का कोई साहस नहीं किया। ऐसा सबको हो रहा था कि ये तो बहुत से असुरों को मार रहे हैं, और इसी आवेश में कहीं हमारे तरफ एक नख इतना बड़ा चला दिए, नोच लिए, अब तो हम खत्म ही हो जाएंगे, इसलिए वो लोग निकट नहीं जा रहे थे। इसके पहले भगवान हजारों असुरों का वध किए थे, और नख से, दांत से, लात से, हाथ थप्पड़ से मारे थे, सबको मार दिए थे, और कुछ भाग गए थे। इसके बाद भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तो ये दृश्य देख करके देवता, गंधर्व आदि सब, इन लोगों को साहस नहीं हो रहा था भगवान के निकट जाने का, लेकिन श्री प्रहलाद
भगवान के निकट चले गए और जा करके प्रणाम किए। तो प्रणाम करने पर क्या हुआ, ये बताते हैं। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं, उस बच्चे को प्रहलाद को स्वपाद मूले अपने चरणों के मूल में, चरण के बिल्कुल निकट पतितं विलोक्या, पतित देख करके देव सबके पूज्य भगवान कृपया परिप्लुतः स्नेह से भर गए। परितः प्लुतः, प्लुतः कहते हैं वो डूब गए, कृपा के समुद्र में भगवान डूब गए। कृपया परिप्लुतः, उनके सारे शरीर में मन में सब जगह केवल कृपा उमड़ गई। जो क्रोध था वो क्रोध समाप्त, क्रोध खत्म होगा तभी न कृपा होगी, तो क्रोध समाप्त हो गया, तो कृपा से भर गए। परिप्लुतः, परितः प्लुतः। और श्री प्रहलाद महाराज को वे उठाए, उत्थाप्य उठा करके, ऐसा विष्णु पुराण में वर्णन है कि वे अपने गोद में रख लिए। और अपने हस्त कमल को उनके सिर पर रखे, उत्थाप्य तत् शिरसिणी, उनके सिर पर करांबुजम अदधात, अपना हस्त कमल रखे। तो हस्त कमल रखने का अद्भुत प्रभाव हुआ, दो प्रभाव का वर्णन नारद जी कर रहे हैं। भगवान के हस्त कमल का स्पर्श होने से क्या स्थिति हुई प्रहलाद की, इसको बता रहे। सतत कर स्पर्श धुता खिला सुबह स प्रहलाद महाराज, तत्कर स्पर्श श्री नृसिंह देव के हस्त का स्पर्श पा करके समस्त अशुभ से मुक्त हो गए। तो प्रश्न होगा कि प्रहलाद के जीवन में अशुभ क्या था, तो अशुभ यह था कि वे हमेशा मन में विचार करते थे कि मैं बहुत अशुद्ध हूं, असुर जाति में जन्म लिया हूं, तो भगवान मुझको छुएंगे कि नहीं छुएंगे, ये असंभावना जो मन में बसी थी यही अशुभ था। उनके मन में ये था कि भगवान तो परम पवित्र हैं, मेरे जैसे अशुद्ध असुर को वे कैसे छुएंगे, नहीं छुएंगे, मन में असंभावना बसी हुई थी। लेकिन जब प्रणाम करने पर भगवान उठा करके अपना हस्त कमल उनके सिर पर रखे, तब यह दुर्भावना असंभावना चली गई, यही अशुभ था। तो अशुभ पूर्ण रूप से निरस्त हो गया, धूत निरस्त। सतत कर स्पर्श धूता खिला शुभ, अखिल अशुभ, ये जो मन में ग्लानि थी कि मैं असुर हूं, छूने लायक नहीं हूं, लेकिन भगवान ने उठा करके गोद में रखा, छुआ, तो चल हस्त कमल को रखा सिर पर, तब प्रहलाद जी की जो असंभावना थी मन में वो समाप्त हो गई।
और सपदी केवल स्पर्श मात्र से अभिव्यक्त परात्म दर्शन, केवल स्पर्श से। सपदी का अर्थ है तत्काल, जिन ही भगवान छुए उसी समय, जैसे बिजली छूने पर करंट लगता है, ऐसे उनको भगवत साक्षात्कार हो गया। भगवान के स्वरूप का तो पहले से ही साक्षात्कार था, वो उनके मन में बसे हुए थे भगवान, सब ज्ञान था, लेकिन भगवान के स्पर्श से अभिव्यक्त अभिव्यक्त हो गया परात्म दर्शन। परमात्मा और जीवात्मा का क्या स्वरूप है, क्या संबंध है, ये सारी बातें हृदय में उमड़ गई केवल छूने से। इस तरह भगवान के भक्तों को भी, अन्य भक्तों को भी असंभावना का दोष होता है। कभी कभी मन में संदेह होता है, भगवान हमको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मैं पापी हूं, मैं भजन नहीं कर रहा हूं, और ये भक्तों से प्रेम करते हैं, मैं भक्त नहीं हूं, पता नहीं हमको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये असंभावना मन में बसी हुई रहती है सभी के मन में। वो एक सेकंड में दूर हो जाएगी जब भगवान से भेंट होगी, केवल करके स्पर्श से प्रहलाद को सारा ज्ञान हो गया और भगवान की पूर्ण अनुभूति होने लगी, अभिव्यक्त हो गए। वो बच्चे थे स्कूल में, कोई भाषा की शिक्षा प्राप्त नहीं किए थे, लेकिन भगवान के स्पर्श से उनके छूने का ऐसा प्रभाव था कि वे भगवान के विषय में पूर्णतः शुद्ध स्तुति करने लगे। तो दो प्रभाव हुआ, उनकी असंभावना का दोष समाप्त हो गया, पूर्ण अनुभव करे कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, मुझसे प्रेम करते हैं। कभी भगवान जाति बुद्धि या पाप बुद्धि करके किसी की अवहेलना नहीं करते हैं, भक्ति केवल देखते हैं। ये मन में भावना थी कि मैं असुर जाति का हूं और बहुत अशुद्ध हूं, पापी हूं, अयोग्य हूं, मैं तो भगवान को प्रणाम करने के भी योग्य नहीं हूं। लेकिन जब निकट जाने पर भगवान ने ऐसा सुंदर व्यवहार किया, क्रोध समाप्त हो गया और शांत हो गए और श्री प्रहलाद महाराज को अपनी गोद में बैठा लिए, केवल छुए ही नहीं, वे चाटने लगे प्रहलाद महाराज को, उनके सिर में, उनके सिर को, उनके गाल को, उनके कंठ को अपनी जिह्वा से चाटने लगे, जैसे सिंह अपने बच्चे को चाटता है या गाय अपने बच्चे को चाटती है, ऐसे भगवान बड़े स्नेह से चाटने लगे और बार बार सिर पर हाथ फेर रहे थे। तो प्रहलाद महाराज अस्तव सिद्ध हरि निकाग्र मन से, एकाग्र मन से भगवान की स्तुति करने लगे। अस्तव सिद्ध, स्तव करने लगे, स्तुति करने लगे, सुसमाहित, उनका मन पूर्ण रूप से भगवान में लगा हुआ था, पूर्ण समाधि में थे, प्रेम गदगदया वाचा, वाणी गदगद हो रही थी प्रेम से। जब कंठ में
अश्रु भर जाता है तो कंठ खुल करके नहीं बोल पाता है, वाणी टूटी हुई निकलती है, तो उसको गदगद वाणी कहते हैं, गदगदया वाचा, गदगद वाणी से बोलने लगे। पुलकित शरीर था हृष्य तनु और क्लीन हृदय हृदयश्रु लोचना, और उनके लोचन आंखों में आंसू थे, हृदय प्रेम से आर्द्र हो गया था। उस समय विचार कर रहे थे कि ओहो भगवान इतना प्रेम करते हैं, तो भगवान के प्रेम का स्मरण करके उस बच्चे प्रहलाद का हृदय क्लीन हो गया। क्लीन का अर्थ है गीला, प्रेमार्द्र, प्रेम से आर्द्र। क्या क्या चीज गीला हो गया? हृत और लोचन, लोचन आंख में आंसू भर गया और हृदय में प्रेम का रस भर गया, तो उससे वो गीला हो गया, प्रेम से आर्द्र हो गया, और आंखें प्रेम के आंसुओं से गीली हो गई और वाणी गदगद हो गई। ऐसी वाणी से श्री प्रहलाद भगवान की स्तुति करने लगे। प्रहलाद जी कहते हैं, ब्रह्मा दय सुरगणा मुनयोथ सिद्धा, हमने देखा यहां, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि सबसे पहले ब्रह्मा जी स्तुति किए आपके विषय में बोले, और इसके बाद भगवान शिव, इंद्रदेव, और इसके बाद ऋषि मुनि, सब बड़े बड़े ऋषि मुनि आपके विषय में आपको प्रसन्न करने के लिए कंटिन्यूअस धारावाहिक बोले, द प्रवाह उसको कह रहे हैं, वत्सम प्रवाह है। उनकी अद्भुत वाणी थी, छंद अलंकार आदि से युक्त, और कंटिन्यूअस बोलते रहे, ब्रह्मा से लेकर के ब्रह्मादि सुरगणा मुनयो तो सिद्धा, मुनिजन सिद्धगण ये सभी धारावाहिक स्तुति कर रहे थे आपकी। प्रहलाद जी रोते हुए गदगद वाणी से कह रहे हैं, ये सब स्तुति कर रहे थे, और इनके इनकी मति कैसी, इनकी बुद्धि कैसी है, जो सत्वैकतान, सत्व एकतान मतलब अनन्य वर्तिनी, जिनकी बुद्धि एकमात्र सत्वगुण में है, कभी रजोगुण का स्पर्श नहीं करती, तमोगुण नहीं है देवताओं में और मुनियों में, इनकी बुद्धि का विस्तार केवल सत्वगुण में है, एक तान, तान मतलब विस्तार, एकस्मिन भगवती एवं तानो विस्तारो, जैसा मत, जिनकी बुद्धि का विस्तार केवल सत्वगुण में है, ऐसे महान देवगण ऋषिगण आपकी धारावाहिक स्तुति कर रहे थे लगातार, फिर भी और उनमें और भी गुण थे, पूर्व गुण है, सब में बहुत बड़े बड़े गुण हैं, विशेषता है, या पूर्व गुण है वत्सम प्रवाही का विशेषण है कि अनेक गुणों से अलंकृत वाणी है उनकी, परंतु फिर भी आराधनाय न पिपरु, वे आपको संतुष्ट करने में पार नहीं पा सके, आपको संतुष्ट नहीं कर सके। बड़े बड़े देवता मुनिजन आपको प्रसन्न नहीं कर पाए, और पुरु गुणे ही वत्सम प्रवाह है, अपने अद्भुत भाषा से, अपने विचार से, अपनी वाणी से बार बार प्रार्थना किए,
फिर भी आपको प्रसन्न नहीं कर पाए, तो मैं कैसे आपको प्रसन्न कर पाऊंगा, आप मेरी बात से कैसे प्रसन्न होंगे, मैं तो सत्गुण में भी नहीं, मैं तो तमोगुण में हूं, असुर जाति में जन्म हुआ है, उग्र जाति। उग्र जाति मतलब हिंसक जाति, हिंसा करने वाला, जीवों को दुख देने वाला, सताने वाला समाज है ये असुर समाज, उसमें जाति है, उसमें मैं जन्म लिया हूं, मैं इतना नीच हूं, अयोग्य हूं, तो आपको कैसे मैं प्रसन्न कर पाऊंगा। जबकि भगवान पहले ही प्रणाम करने से ही प्रसन्न हो गए, उनका क्रोध समाप्त हो गया, पर श्री प्रहलाद महाराज सहज दैन्य वश से कह रहे हैं, ये वैष्णव का भूषण है दीनता। अतः किसी वैष्णव को इसके लिए व्याकुल नहीं होना चाहिए कि हम ब्राह्मण होना चाहते हैं, नहीं, भक्त ही होना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए निष्ठा के साथ, भगवान का नाम जपना चाहिए, अन्यथा अभिमान बढ़ जाता है ब्राह्मण होने पर, वो भक्ति की योग्यता नहीं है, वो थोड़ा भी अहंकार आ जाए, अभिमान आ जाए किसी में, तो उस व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाता है। भक्ति के लिए सबसे योग्य, सबसे बड़ी योग्यता है नम्रता है, उसी को भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कीर्तनियो सदाहरि में, कि श्री भगवान का कीर्तन कैसे हो सकता है सदा, उसके लिए वही उपाय बताए हैं। जैसे तृतीय विभक्ति में सब तीर्णादपि सुनी चेना, रास्ते में पड़े हुए तिनके के समान अतिशय नम्र भाव से, सुनीच, नीच हो नहीं जाना चाहिए, लेकिन अपने को नीच मानना चाहिए कि मैं छोटा हूं, मैं अयोग्य हूं। जब व्यक्ति ऐसा मानेगा और वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए, और दूसरों को मान देना चाहिए हमेशा, स्वयं मान नहीं लेना चाहिए, अमानी ना और मान देना, अमानी होने से और मान देने से दूसरों को वृक्ष के समान सहनशील होने से और तिनके के समान नम्र होने से हरि का कीर्तन सदा हो सकता है। या ये अर्थ कर सकते कि ऐसा हो करके कृष्ण का कीर्तन सदा करना चाहिए, पर यह भी अर्थ है कि ऐसा होने से ही सदा भगवान कीर्तन कर सकते, कीर्तनीय है, उनका कीर्तन किया जा सकता है, तो सबसे महान योग्यता है अपने को हीन समझे। उत्तम है या अपना के माने तृणाधम, उत्तम हो करके भी अपने को तृण से भी अधम माने, सबसे भारी दोष यही है मनुष्य में कि कोई कुछ थोड़ा सा गुण आ जाने पर व्यक्ति को अभिमान हो जाता है, मैं धनी हूं, धन का अभिमान, मैं सुंदर हूं, सुंदरता का अभिमान, मैं पढ़ा लिखा हूं, ये सब भी अभिमान बाधक है, मैं पढ़ता हूं, मैं भागवत जानता हूं, मैं गीता जानता हूं, यह भी अच्छा नहीं है, अभिमान होना किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है, मैं बुद्धिमान हूं, ये सब मूर्ख हैं जो और लोग हैं, मैं बहुत अच्छा पढ़ा हूं, मैं इंजीनियर हूं,
मैं डॉक्टर हूं, ये ठीक है होना, डॉक्टर होना, इंजीनियर होना, लेकिन कहीं अभिमान न आवे। अभिमान जो भी गुण है उस गुण से भी पतित कर देता है। मैं जितेंद्रिय हूं, मैंने अपने मन को वश में कर लिया है और मैं मंगल आरती में उठ जाता हूं, ये ठीक है, लेकिन और लोग नहीं उठते हैं, ये भावना करके जो अहंकार होता है मन में वह ठीक नहीं है, वो पतन का कारण है। श्रील प्रभुपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी का बहाना उदाहरण दे रहे हैं, पूरी से रक्कीट है ते मुई से लघिष्ट, जो चैतन्य चरितामृत की रचना कर रहे थे उसके पहले उन्होंने कृष्ण करुणामृत पर टीका लिख चुके थे, लिख दिए थे सारंग रंगदार टीका। तो बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े त्यागी महापुरुष थे, वृंदावन में रहते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी के आश्रय में राधा कुंड में उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा, लेकिन वे कहते हैं कि मैं विष्ठा के कीड़े से भी अधम हूं और जगाई मधाई से भी अधिक पापी हूं। तो वह झूठ नहीं बोल रहे थे, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि केवल अपनी नम्रता को, अपनी दीनता को दिखाने के लिए लिख रहे थे, नहीं, वो यही फील कर रहे थे कि मैं ऐसा हूं, मैं हीन हूं, मैं पापी हूं। एक बार इस विषय पर एक बहुत बड़ा संवाद हुआ था और उस संवाद में महात्मा गांधी भी बैठे थे, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो किसी ने कह दिया, गोस्वामी तुलसीदास की कविता पढ़ा और सूरदास जी की, जहां में लिखे हैं मौसम कौन कुटिल खलकामी, हमारे समान कोई भी कपटी नहीं है, कामी नहीं है, कुटिल नहीं है, जिन तन दियो ताहि बिसरायो ऐसे नमक हरामी, जिन भगवान ने हमको ये मनुष्य शरीर दिया मैं उनको ही भूल गया, तो इतना पापी और कौन होगा, इतना खल कौन होगा। तो सब लोग कह रहे थे, अपने अनुसार व्याख्या कर रहे थे उसकी, तो महात्मा गांधी ने बड़ी सुंदर बात कह दिया, वे कहे कि इन लोगों का मीटर अलग होता है और लोगों का अलग है, अपने को नापने वाला मीटर कुछ दूसरा है। ये कह रहे हैं कि भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया, इतना उपकार किया, लेकिन ऐसे उपकारी भगवान को भी मैं भूल गया। तो किसी ने कहा कि ये लोग, पहले कह दिया कि ये लोग इतना झूठ क्यों बोलते हैं, हैं अच्छा साधु हैं और अपने को कपटी कुटिल कामी कह रहे हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने कहा कि उन लोगों का मीटर ही कुछ अलग है अपने को नापने का, वे अपने को नापते हैं, अपने को हीन कहते हैं, कामी कहते हैं, दोषी कह रहे हैं, तो ठीक कह रहे हैं, अपने को नापने का उनका मीटर ही अलग है, अपने मीटर से वे अपने को नाप करके कहते हैं, वो सत्य कह रहे हैं, तो वो उनके लिए सत्य है, वो हम लोगों के लिए सत्य नहीं है कि हम भी तुलसीदास जी को या सूरदास जी को ऐसा मान लें।
नहीं, वे महात्मा हैं स्वतः, लेकिन उनके पास उनका मीटर है, वो उससे नापा करें। आप अपने को नापिए अपने मीटर से। तो हम लोगों का मीटर यही होना चाहिए, तृणादपि सुने चेना तरोरि वसहि सुना अमानिना मान देना कीर्तने सदा है। रास्ते में पड़े हुए के तिनके से भी अपने को छोटा समझना। बेचारा तिनका कभी प्रतिवाद नहीं करता है, अगर कोई रास्ता जा रहा है जूता लगा करके उस पर पैर रख देता है, जूता से कुचल जाता है तिनका, लेकिन कभी उड़ करके गाली वाली नहीं दिया, तो प्रतिवाद नहीं किया। कोई थूक देता है और पशु भी उस पर पैर देकर चलते हैं, लेकिन वह अपने को इतना छोटा समझता है कि कभी भी विवाद नहीं करता है, कभी झगड़ा नहीं करता है, कभी नहीं कहा कि आई एम डिवोटी। एक इंग्लैंड से मेरा गुरु भाई आया था, बहुत वर्ष पहले की बात है, हम लोग गए थे ताजमहल देखने, बुक डिस्ट्रिक्शन के लिए गए थे वृंदावन से, और आगरा में ठहरे थे। तो वो किसी भी बात में तुरंत जनेऊ निकाल करके दिखाता था कि आई एम ब्राह्मण, और हमारे साथ राधा वल्लभ दास थे जो वृंदावन में रहते हैं, तो उसको चिढ़ाया करते थे, कभी कभी कह देते थे तुम लेट्स हो, तो वो तुरंत जनेऊ दिखाता था, कह रहा मैं ब्राह्मण हूं। तो हम लोग हंसते थे राधा वल्लभ दास में, और उसमें बड़ा मजाक चलता था, लेकिन मैं देखता था वो हमेशा इस अंगूठे से जनेऊ पकड़े रहता था, और थोड़ा भी कुछ हीन भाव कहने पर तुरंत निकाल करके दिखा, कभी कभी ऐसे ही बैठता था। और जब करते समय राधा वल्लभ जब उसको कुछ कहते थे तो वो दिखाता था, चुपचाप रहता था, मतलब तुम लोग चुपचाप रहो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो मैं ये कह रहा था कि कोई भी अच्छा कर्म हो, भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति, परंतु अभिमान नहीं आना चाहिए। अभिमान जो भी गुण रहता है उसको खत्म कर देता है। ये गुण है ब्राह्मण होना, पवित्र रहना, भगवान का जप करना, भगवान के मंदिर में जाना गुण है, लेकिन कहीं इसी गुण के चलते अहंकार हो जाए, अभिमान हो जाए, तो यह गुण अब गुण का काम नहीं करता है। पढ़ाई लिखाई करना है, अच्छा है, गुण है, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में अहंकार बुरा है, सकल शोकदायक अभिमान है, अभिमान सब प्रकार का दुख देता है। इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने प्रिय भक्तों को यह शिक्षा दे रहे हैं कि अपने को तृण से भी अधम समझो और वृक्ष के समान सहिष्णु बनो, सहन करना चाहिए। वृक्ष कितना सहन करता है, एक घाम सहता है, धूप में खड़ा रहता है एक ही जगह, और धूप लगती है, वर्षा होती है, आंधी सहता है, वर्षा का झोंका सहता है,
आंधी का झोंका और खड़े खड़े सूख जाता है, लेकिन किसी से पानी नहीं मांगता है कभी। कभी वृक्ष कहा है कि हमको पानी पिलाइए, और इतना ही नहीं, वो इस तरह की दशा में हो करके भी सबको देता ही रहता है, अपना फल, अपना फूल और पत्ता, वो सब कुछ देता रहता है और मांगता कुछ नहीं है, अपेक्षा कुछ नहीं रखता कि हमको पानी दिया जाए। अभी वैशाख का महीना है तो मुंह में पानी दो, पानी मांगता नहीं है, लेकिन गर्मी के दिन में भी वो कितना सुंदर आम देता है, फिर भी दूसरों को देता रहता है, फल देता है। और कोई व्यक्ति जा करके कुल्हाड़ी से उसको काटता है तब भी वो प्रतिकार नहीं करता। कभी कोई वृक्ष नहीं केस किया कि ये हमको काटा है, और मना भी नहीं करता है। स्वयं जल करके, तप करके हम लोगों का भोजन बनाता है। अब तो गैस का जमाना आ गया है, लेकिन हम लोग देखे हैं बहुत काल तक किस तरह से लकड़ी जला करके ही भोजन बनाया जाता है। और जाड़े के दिन में लकड़ी स्वयं जलता है, ताप सहता है, लेकिन दूसरों का जाड़ा दूर करता है। चैतन्य चरितार्थ में लिखा गया है, दुई संध्या अग्नि ताप काष्ठ है अपार। चैतन्य महापुरुष झारखंड जंगल में आ रहे थे तो दोनों संध्या वे आग तापते थे, काष्ठ सूखा मिलता था जला करके जहां था आग तापते थे। तो एक काष्ठ है, वो वृक्ष पुत्र है, वृक्ष का अंश है, इस तरह से आता है। और यहां तक कि मरे हुए जीव को, उसके शरीर को जला करके शुद्ध करता है, वो भोजन बनाता है, शुद्ध करता है, और उसी से दवाइयां ली जाती हैं। वृक्ष दवाइयां प्रस्तुत करता है, औषधि। इतना दान करता है, इतना देता है, लेकिन लेता कुछ नहीं, इस प्रकार सहन करता है। बच्चे तक जाकर के ढेला मारते हैं वृक्ष पर, तो उनको फल देता है। जहां तहां बच्चे ढेला चलाते देखे जाते हैं। तो इस प्रकार से वैष्णव को होना चाहिए, कोई मारे, कोई गाली दे, कोई थूक दे, तो उसका प्रतिवाद उसी रूप में नहीं करना चाहिए कि ठीक गाली दिया तो हम भी गाली देंगे, उनको मारा तो हम भी मारेंगे, नहीं। ये तो मनुष्य का व्यवहार है, यह पशु का व्यवहार, ये वैष्णव का व्यवहार नहीं है। हरिदास ठाकुर को यवनों ने 22 मार्केट में घुमा घुमा करके मारा, एक मार्केट में मारना वही काफी था, लेकिन दिखा रहे थे कि ये काफिर बन गया, मुसलमान होकर के ये कृष्ण का नाम जपता है,
इसलिए बार बार कर दिखा रहे थे जनता को। और हरिदास ठाकुर इतना सहन किए, वे कहते थे जब रुक जाते थे तो कहते थे एक बेत और मारो लेकिन हरे कृष्ण बोलो। और तीन व्यक्ति थे, तीन व्यक्ति थे, काजी ने नियुक्त किया था, ये चांद काजी नहीं तो दूसरा काजी था, फुलिया ग्राम में रहता था, शांतिपुर के निकट। तो तीनों मारते थे और मारते मारते जब थक जाते थे तो पानी पी पी करके मारते थे, और फिर भी कभी रुक जाते थे, कहते थे अब तुम छोड़ते हो कि नहीं, ये हिंदू धर्म का फिरी छोड़ रहे हो कि नहीं। तो वे कहते थे नहीं ठीक है तुम मारो, और चारों तरफ शरीर पर लाल लाल साटे निकल गई थी, और कहते थे एक बार और मारो, बोलो हरे कृष्ण हरी बोल। तो उसे प्रसन्न हो रहे थे कि इनके मुख से हरि नाम निकल रहा है, वो इस तरह से बोलते थे, मार कर कहते छोड़ो हरी बोल, हरे कृष्ण छोड़ो। तो ऐसा कहने में भगवान का नाम आ रहा था, तो इससे हरिदास ठाकुर प्रसन्न थे और उनकी रक्षा स्वयं चैतन्य महाप्रभु कर रहे थे। तो इस तरह से उन्होंने सहन किया, और अंत में जब मूर्छित हो गए मारते मारते, तब उन लोगों ने समझा कि ये अब मर गया, तो उसको गंगा में फेंक दिया, दफनाया नहीं। वो सोचते थे कि दफनाने से इसकी मुक्ति हो जाएगी, कब्र में डालने से मुक्ति हो जाएगी, इसलिए गंगा में फेंक दो। गंगा में फेंक देने से उन लोगों का यह विश्वास है कि गंगा जी एक साधारण नदी है, तो इसीलिए इसकी अधोगति के लिए गंगा में फेंक दी। हरिदास ठाकुर जी को गंगा जी में फेंक दिए, और गंगा जी की तरंगों के द्वारा हरिदास ठाकुर को चेतना मिल गई, ये स्वस्थ हो गए और निकल करके आए। फिर ये बहुत बड़ी बड़ी बाधा है भगवान की भक्ति में। यह सब हुआ चैतन्य महाप्रभु के अवतार से पहले हरिदास ठाकुर के साथ। और उस इलाके में एक बहुत प्रसिद्ध जमींदार रहता था, उसका नाम था रामचंद्र खां, मुसलमानों ने उसको नाम दिया था। तो रामचंद्र खान प्रसिद्ध था, तो उसको कुछ जवानों ने भड़काया कि हरिदास बहुत सम्मान पा रहा है, इसकी लोग बहुत इज्जत कर रहे हैं, तो ऐसा कोई काम किया जाए कि इस पर लोग थूकें, यह किसी काम करना माना जाए। तो रामचंद्र खान ने कहा कि मैं शीघ्र इसकी व्यवस्था करूंगा। तो एक बहुत सुंदरी ज्योति वेश्या को उसने बहुत सा धन दिया और कहा कि ये हरिदास जो युवक है, गंगा किनारे कुटिया में रहता है, तुम उसके पास अमुक दिन को जाओ रात्रि के समय। तो बहुत प्रतीक्षा करते रहे थे उस रात्रि की,
और बहुत बन ठन करके अपना श्रृंगार करके वो गई। हरिदास ठाकुर उस समय महामंत्र का जप कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। आधी रात के समय वो गई और जा करके उसने अपना प्रस्ताव रखा। हरिदास जी पूर्ण युवक थे, तो बहुत सुंदर थे, तो उसने कहा कि ठाकुर तुम्हारी सुंदरता देख करके मेरा मन लुप्त है, तुम मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि ठीक है, जब मेरा जप पूरा हो जाएगा तब तो तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तो वो नाम सुनने लगे, वे जप कर रहे थे और बैठ करके कुटिया से बाहर ही नाम कीर्तन सुनने लगे। तो वो रात बिल्कुल बीत गई, कोई असर नहीं हुआ। तो दूसरी रात वो आई शाम के समय, हरिदास ठाकुर ने कहा कि अभी तो मेरा व्रत पूरा नहीं हुआ, उनको तो 3 लाख जप करना था, कब टाइम मिले। तो अवश्य मेरा व्रत पूरा हो जाएगा, जप पूरा हो जाएगा तब तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करूंगा। तो सुनने लगे, उसने तुलसी जी को प्रणाम किया, जो तुलसी जी लगाए थे हरिदास ठाकुर, उस तुलसी जी को प्रणाम करके और फिर हरिदास ठाकुर को भी प्रणाम करके और सुनने लगी, प्रतीक्षा करने लगी। और सोचती थी कि फिर आधी रात होगी तो ये हमारी इच्छा पूरी करेंगे, लेकिन वो तो कंटिन्यूअस चल ही रहा था हरे कृष्णा महामंत्र। तो किसी तरह वो रात भर बैठी, भोर हो गया तो फिर निराश हो गई, चली गई। और रामचंद्र खान को उसने जाकर सुनाया और तो बिल्कुल पत्थर की तरह है, कोई असर नहीं हुआ। तो उसने कहा फिर भी प्रयास करो। तो इस तरह वेश्या 3 रात तक आई, तीसरे दिन आई वो, फिर हरिदास ठाकुर को प्रणाम किया, तुलसी को प्रणाम किया और बैठ करके प्रतीक्षा करने लगी। पर प्रतीक्षा करने में वो नाम कीर्तन सुन रहे थे, तो सुनते सुनते तीसरे रात के अंत में उसका चित्त बदल गया, उसके मन में बहुत ग्लानी हुई, कि मैं अपना जीवन व्यर्थ खो दी, मैं भी ऐसा सुखी होती तो इसमें कितना आनंद था, इस साधु की तरह हरिदास की तरह मैं भी क्या सुखी हो सकती हूं, इसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन कितना आनंद में है यह। तो वह भी हरिदास ठाकुर से कहने लगे, ठाकुर मुझे भी माला दो, कृपा करो मुझे भी इस दुख से पार करो, मैं बहुत दुखी हूं, मैं चाहती हूं कि मैं सुख से भगवान का भजन करूं। ये प्रभाव था हरिदास ठाकुर का कि अपने संग से उन्होंने उस वेश्या को उतार दिया। और वो कहे ठीक है, मैं जानता था, मैं पहली रात को ही जान गया था कि तुम किस इरादे से आई हो, और यह भी जान गया कि कुछ लोग तुमको इंस्टिगेट करके भेजे हैं। तो ठीक है, तुम इसी कुटिया में रहो। वो कुटिया क्या था, पहाड़ की गुफा जैसा था,
तो तुम यहां रहो और मैं अब जा रहा हूं। तो हरिदास ठाकुर ने उसको माला दिया, भगवान का नाम जपते हुए चले गए और वो वेश्या वहीं रहने लगी। अब हल्ला हो गया सब जगह, क्यों तो वेश्या परमा वैष्णवी हो गई, और हरिदास को भ्रष्ट नहीं कर पाई, वही बदल गई। तो बहुत लोग आने लगे उसका दर्शन करने के लिए, सब जगह प्रचार हो गया। तो इस प्रकार हरिदास ठाकुर ने उसका जीवन बदल दिया। उन्होंने कोई प्रवचन नहीं किया, भगवान का नाम जपते रहे, और उसने नाम का श्रवण किया, बस इसी से वो शुद्ध हो गई। तो इस प्रकार से मैं ये कह रहा था कि वैष्णवों के जीवन में इस प्रकार के उत्पात आते रहते हैं, पर धैर्य रखना चाहिए उसे। यह भी सहनशीलता का उदाहरण है, सहन करना चाहिए। कभी कभी किसी व्यक्ति का बहुत बड़ा अपमान हो सकता है अकारण, लेकिन सहना चाहिए, अपने मन के बैलेंस को खोना नहीं चाहिए, हर एक समय शांत भाव से रह करके और कृष्ण का नाम लेना चाहिए। उसी को भगवान कहते हैं कीर्तनियो सदा हरि, सदा सर्वदा सब दिन रात भगवान का नाम लेना चाहिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री प्रहलाद महाराज से शिक्षा है कि इतना विकसित भक्त होते हुए भी महाभागवत अर्भक, वह महाभागवत थे, भगवान के पूर्ण भक्त थे, उनके लिए भगवान खंभे से प्रकट हो गए। तो ऐसे नृसिंह देव से वे कहते हैं मैं तो अयोग्य हूं, ये देवता लोग जब अपने बहुत गुणों से और अपनी स्तुतियों से आपको प्रसन्न नहीं कर पाए और अधुना अब तक अभी भी आप क्रोध में हैं, तो मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं आपको प्रसन्न करने के लिए, हम में तो कोई गुण नहीं है, मैं तो असुर जाति का हूं, उग्र जाति का हूं, उग्र वंश में जन्म लिया। नाराधनाए ही भवंत परस्पर दुश्मन, ब्रह्मा आदि देवता और मुनि सिद्ध गण सब आपकी स्तुति करते रहे, आपसे प्रार्थना करते रहे और अब तक आप प्रसन्न नहीं हुए, तो हमसे कैसे प्रसन्न होंगे। जबकि भगवान को प्रसन्न करने के लिए, शांत करने के लिए ही ब्रह्मा जी ने आज्ञा दिया है प्रहलाद जी को। प्रहलाद ब्रह्मा जी की आज्ञा से भगवान के निकट गए और भगवान ने उन्हें उठा करके गोद में रख लिया। इतना निकट बैठ करके भगवान के पास उनके गोद में अथवा खड़े होकर के पास में प्रार्थना कर रहे हैं, मैं तो अयोग्य हूं, मुझ में प्रार्थना करने की कोई योग्यता नहीं है, आपकी भक्ति करने की योग्यता नहीं, आप मेरी प्रार्थना से कैसे संतुष्ट होंगे।
उग्र जाते, मैं हिंसक जाति में जन्म लिया हूं, नीच हूं। जब सत्वगुण में रहने वाले देवताओं की प्रार्थना से, अनेक गुणवान मुनियों की प्रार्थना से आप प्रसन्न नहीं हुए, तो मैं कैसे आपको प्रसन्न कर सकता हूं? कितनी नम्रता है। सब लोग हार गए भगवान को मनाने में, प्रसन्न करने में, लेकिन न पिपरुह, पार नहीं पाए। पिपरुह का अर्थ है पार पाना, पार नहीं पाए, आपको प्रसन्न नहीं कर पाए, तो फिर मैं कैसे प्रसन्न कर पाऊंगा? तो यह मूड रखना चाहिए, अभिमान न आवे, नम्रता बनी रहे मन में, और बाहर से भी नम्रता, अमानिना, मान मिले तो उस मान को स्वीकार नहीं करना चाहिए। हम लोगों की बहुत बड़ी कमजोरी है, मान स्वीकार कर लेते हैं, और कई बार ऐसे बिना मतलब के लोग फोटो खींचा करते हैं, उस फोटो से क्या भक्ति बढ़ेगी, और हानि ही होगी। और कभी कभी तो भक्तजन अपना फोटो खिंचवाते हैं कि हम जप कर रहे हो तब हमारा फोटो खींचो, या हम भागवत पढ़ रहे हैं अथवा ध्यान में हैं तब, ध्यान में जब हैं तब मेरा फोटो खींचो। इस प्रकार की मन में वासना, ये तो सारे अनर्थों की जड़ है। अमानिना, मानी नहीं होना चाहिए, मान नहीं चाहना चाहिए। अगर नहीं चाहने पर भी मान मिले तो उस मान को स्वीकार नहीं करना चाहिए। और मैं देखता हूं गंगा जी के तट पर कि लोग लंगड़ा देख करके या दूल्हा देख करके प्रणाम करते हैं, उनको ये भावना होती है कि ये हमको आशीर्वाद देगा, लेकिन वो बेचारा स्वयं ही लंगड़ रहा है, स्वयं ही खड़ा नहीं हो रहा है, वो क्या आशीर्वाद देगा? जो भी है उनकी तो भावना है कि ये साधु है, लेकिन अपने को नहीं मान लेना चाहिए कि मैं साधु हूं। तो अमानिना का अर्थ है मान नहीं चाहना, और वो मान दे तो मान उन्हीं को लौटा देना चाहिए। कोई प्रणाम करे तो उसको प्रणाम कर दे। ऋषिकेश में गीता भवन में एक बार ऐसा हुआ था, जब बहुत लोग प्रणाम करने लगे सेठ जयदयाल जी गोयंदका को, तो उन्होंने एक उपाय किया। वे सो करके प्रणाम करते थे प्रणाम करने वाले को, तब गीता भवन के प्रबंधकों ने मना कर दिया, कोई प्रणाम नहीं कर सकता, क्योंकि वे वृद्ध थे और उनको प्रणाम लोग करते थे तो वे प्रणाम करने लगे साष्टांग। तो इसे प्रबंधक लोग बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने बहुत सख्त मना किया, कोई प्रणाम नहीं कर सकता। ये प्रणाम इस तरह से लौटा देना चाहिए। ये बारम्बार माला पहनाना, प्रणाम करना है, मान देना है, पर इससे क्या होता है?
केवल साधु का पतन होता है, मन में अहंकार आता है। तो काम वही करना है जिससे हमारी भक्ति बढ़े, और भक्ति बढ़ेगी नम्रता से, अपने में नीच भाव लाने से। जो जमीन नीचे होती है तो वहां सब ओर से पानी बह करके आता है, खाल जमीन में। जो व्यक्ति नम्र होता है तो उस पर चारों तरफ से आशीर्वाद की वर्षा होती है। प्रहलाद महाराज निर्विवाद बहुत उत्तम थे, लेकिन फिर भी वे अपने को हीन समझ रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज के इस व्यवहार से हमें शिक्षा लेनी है। हमारी कोई योग्यता नहीं है कि हम आपकी आपसे प्रार्थना करें, आप हमसे कैसे खुश होंगे। हम में कोई योग्यता नहीं है। प्रहलाद महाराज का यह उत्कृष्ट विचार इस भागवत में हम लोगों को सुन